सवाल किया गया क्या तावीज़ बांधना जायज़ है। तो देखिए बुज़ुर्गों से असल में ये साबित है कि सही बुज़ुर्ग से किसी बेहतरीन आमिल और काबिल या किसी ऐसे शख्स से बहुत नेक शख्स है और उसने कोई नक्श बना दिया है तो अक्सर बुज़ुर्ग सरकार मुफ्ती आदम हिंद अलैहिर्रहमा भी दिया करते थे तो आप वो नक्श या तावीज़ वगैरह आप बांध सकते हैं लेकिन मुकम्मल ये भरोसा या यकीन नहीं कर सकते कि साहब ये तावीज़ ही से अब मेरा अच्छा या बुरा होगा। तावीज़ एक दुआ का दूसरा नाम है कि भाई दुआ कर दी और आपको कुछ नक्श वगैरह लिख करके दे दिया, उसमें कुछ अल्लाह का कलाम वगैरह लिखा है या कुछ आदाद होते हैं वो लिखे हैं तो उससे ठीक है फैज़ मिलेगा और फिर वो देने वाला भी देखें कैसा है। हर कसो नाकस हर शख्स से जाकर के तावीज़ ना ले आया करें वरना तो तावीज़ भी बहुत सारे हो जाएंगे वो खुद ही ठीक नहीं है तो उनका तावीज़ क्या आपको ठीक करेगा। कोई नेक शख्सियत है, कोई बुज़ुर्ग शख्सियत है, कोई काबिल शख्सियत है और कोई अल्लाह वाला है और आप देख रहे हैं कि वो दुनियादारी तावीज़ों को उसने दुनियादारी का जो है मामला नहीं बना रखा है और तावीज़ों को उसने अपना दुनियादारी नहीं बना रखी है, वो लोगों की खिदमत करने के लिए इस तरीके से ये काम कर रहा है तो आप उससे तावीज़ लेके बांध भी सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि मेरा तावीज़ गुम गया तो मेरा सब कुछ गलत हो जाएगा, तावीज़ आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। करता सब अल्लाह ही है, वो एक बुज़ुर्गों का फैज़ होता है उसके ज़रिए से और जो अल्लाह का कलाम लिखते हैं उसकी बरकत होती है तावीज़ में।